अब इस बात को आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ओए बिल्कुल नहीं, सामने देखो, दूर दूर बैठो। अगला नहीं, मेरा मुंह यहाँ था इस कमरे में, ऐसा नहीं कि यहाँ वालों को कह रहा। फिर मैं वही कह रहा हूँ, देश शी इज ऑब्ड्यूरेट एंड एंड्यूरेटनेस इन नेचर। शी इज ऑब्ड्यूरेट एंड एंड्यूरेटनेस इन नेचर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक वर्ड कराया था CALLOUS, कैलस। और कैलस का मतलब होता है पैकीडर्मेटस। पैकी का मतलब होता है मजबूत, डर्म का मतलब होता है चमड़ी, जिसकी चमड़ी बहुत हार्ड होती है उसको बोलते हैं कैलस नेचर। इनसेंसिटिव के तौर पर यूज होता है, बताया था थोड़ी देर में। इमोशनली वेरी हार्डेंड, इमोशनली वेरी स्ट्रांग, जिसके कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आगे आदमी मर जाए। स्ट्राइक कह सकते हैं, स्ट्राइक बोल सकते हैं। वो तो ऐसा होता है ना काउ से दोस्ती, ना काउ से बैर, जिसे इमोशनली पेन एंड प्लेजर से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ्लेगमेटिक तो फ्लेम के दुखदायी चीजों के जो प्रभाव ना पड़े वो खाली उस तरह की चीजें। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन होता है जो जैसे रावण का नेचर था, काट दो मार दो, IS IS वाले लोग हैं, वो मार दिए, म्यूटिलेशन उनका, बी हेडिंग ऑफ, बी हेड क्या होता है, BEHE सर्कलम करना, एक लाइन से ही सर्कलम कटने कर देते हैं, नरमुंड लटका देते हैं या उसके देश में उसके फोटो भेज देते हैं। लेकिन भाई साहब इतनी सी भी मतलब दया भावना नहीं, जिसमें दयालुता का बिल्कुल ह्रास हो चुका हो, ऐसे पर्सन को कैलस बोलते हैं। और इंड्यूरेट भी इसी का सिनोनिम है, इंड्यूरेट। सो मैंने कहा कि शी इज ऑब्ड्यूरेट एंड इंड्यूरेटनेस इन नेचर, और आपके पास पेपर के अंदर ये ये और ये ऐसे करके आ गया, A B C और नो एरर D। अब बताओ इसमें एरर है या नहीं? एरर है। क्यों एरर है? वीकनेस। अब आपको पता ऑब्ड्यूरेट वर्ड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। इंड्यूरेटनेस अपने आप में क्या है, नाउन। दोनों तरफ एक सा होना चाहिए, तो कितने एरर हो गए, दो, बी भी गलत और गलती आएगी एक में। मैंने कहा शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ऑब्ड्यूरेट, तो पक्का आना क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, तो न सटा दो क्या बन जाएगा, इंड्यूरेट। गलती कौन से पार्ट में हुई, सी पार्ट में। अंडरस्टूड? यस। यहाँ भी सेम, वहां भी सेम, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पैरेलल। ठीक है, अगला अजय कहाँ है? अजय सही नहीं बैठा है कुछ।
आज तो अपने ऐसी गतिविधि नहीं की थी, पता लगे कि अच्छे बैठे तो सबसे पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है, सिचुएशन। सिचुएशन क्या होता है? नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। तो अगर एक एडजेक्टिव होगा तो ये आएगा, दूसरा भी लगेगा तो क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, तो यह भी क्या आना चाहिए। तो सिचुएशन कैसी, मेलनकॉलिक क्या हो गया एडजेक्टिव। सिचुएशन कैसी, डिप्रेस्ड, ये भी क्या हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव। नॉर्मल बॉन्ड सिचुएशन कैसी, सैड, डिप्रेस्ड एंड मेलनकॉलिक। तो सैडनेस आना चाहिए या सैड आना चाहिए, गलती कौन से पार्ट में, ऐसे। तो समझ में आ रहा है कि एंड का खेल कैसे कैसे चलेगा, कैसे ऐसे चलेगा। तो इसमें फिर से पैरेललिज्म किसका चला, एडजेक्टिव। अगर यहाँ पर सिचुएशन को हटा दें, नया क्वेश्चन देखो, नो वन वांट सैडनेस, डिप्रेस्ड, मेलनकॉलिक इन द लाइफ, तो आप बताओ गलती कहाँ है। अब ए में गलती है या कहीं और, वेरी गुड। अब बी में गलती है, क्योंकि नो वन वॉन्ट्स, कोई भी नहीं चाहता है, पूछो क्या। और जो भी चीज वट का आंसर देगी वो या तो नाउन होगी या फिर प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव नहीं होगी, बता रखा है। अब इसका मतलब प्रोनाउन तो हो नहीं सकती, नाउन ही बनाना। तो सैडनेस क्या गिवन था, नाउन। तो डिप्रेस्ड का नाउन क्या बनेगा, डिप्रेशन, वेरी गुड। तो मेलनकॉलिक का क्या बनेगा, मेलनकॉली, मेलन कॉलिक, ये इसका नाउन। मेला कॉलिक, मेलन कॉलिक, मेलन कॉलिक। पेस्पिनेट क्या होता है, पेस्पिनेट। ट्रावेस्टी क्या होता है, मेन करना, वो नहीं, तुम चुप, मजाक, मजाक, मैं मजाक कर। पेंडिकुलेशन क्या होता है, कैसे याद आ गया तुम्हें, पंडित जी कुल्ला करने गए, कुल्ला करने, पंडित जी कुल्ला करने गए। अच्छा, अभी एक रिसर्च आया हुआ था कि आपके सामने अगर कोई उबासी ले रहा हो तो आपको भी उबासी आ जाएगी, कैसा है। यस सर, देखो she confirms and sell the tickets, the air tickets, the air tickets, she confirms and sell the air tickets, ye slash 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 or no, a b c और डी। एक बार, एयर टिकट्स एंड एयर रिलेटेड इंक्वायरीज, कौन बोला है, कौन बोला है, मनीष, हाँ बहुत बढ़िया, सही, वेरी गुड। अगर तू बोला होता तो धमका सकते। और बेचती है क्या, एयर टिकट्स एंड एयर रिलेटेड इंक्वायरीज। तो कंफर्म क्या करती है, एयर रिलेटेड इंक्वायरी। सेल क्या करती है, एयर टिकट। लेकिन कौन, शी सब्जेक्ट के तौर पर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई है। अगर एंड से पहले वर्ब है तो एंड के बाद भी क्या होगी, तो वो भी कैसे होगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या, तो शुड इट बी सेल और सेलस, सेल्स, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में हो गया, बी। तो बताओ यहाँ पर पैरेललिज्म किसका हो गया, वर्ब का। अरे समझ में, देखो अगर आप बिल्कुल बिल्कुल जीरो से भी पढ़ रहे हो तो भी समझ में आ रही होगी बात की चीज क्या है।
और यही चीज आपको क्लोज टेस्ट के अंदर एलिमिनेट करने में काम आती है। और 319, 321 और 181 कल हम आपको पढ़ाएंगे क्लोज टेस्ट। क्या पढ़ाएंगे? क्लोज टेस्ट। ठीक है जी, यही नहीं वही उधर उध मोहल्ले में, यहाँ तो आपकी क्लास लगती होगी ना, 5-7 बच्चों के इधर ही लगवाते हैं। इनको भी बुला ले, आप भी आ जाना उसमें। कौन सा नंबर है? 70, 72, 73 जहाँ जहाँ आपके घुटने थक जाए ना वहीं आ जाना। टाइम 9 से 5 आए। Internalizes. She understands and internalizes the innermost essence of the thoughts very well and skillfully. तो आप इस कितने बच्चे बताएंगे कि ये कहाँ हो रहा है? ये कंजंक्शन हो रहा है? नहीं है ना? बता बच्चों। करण अर्जुन। तो एक तो यहाँ पर एंड है, तो ये भी ऐसे आइए से, यहाँ पर भी ऐसे आइए से बोल देते हैं। द इनरमोस्ट एसेंस ऑफ थॉट्स, जो थॉट्स का इनरमोस्ट एसेंस है, हर थॉट का अपना एक एसेंस होता है और उसको बहुत तरीके से समझना पड़ता है और गहनता से अंदर उतारना पड़ता है। और कोई चीज अंदर, बाहर की चीजों को अंदर के मस्तिष्क में, अंदर की दुनिया में लेकर जाना, उसको बोलते हैं इंटरनलाइज। और जब अंदर की दुनिया से कोई थॉट बाहर निकालते हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नलाइज। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज चलती है, लेकिन क्या सारी चीजों के विचार आप बता या बयां कर पाते हो? कई बयां भी नहीं कर पाते हैं, तो वो एक्सटर्नलाइजेशन करने में कमी आती है। ऐसे ही चलो आपके आसपास का उदाहरण दूं तो संदीप के शो देखते हो थोड़ा सा, संदीप महेश्वरी, कभी कभी जब भी देखा हो, किसी ने आज तक ही नहीं देखा जी, मैं बता रहा था, बहुत बढ़िया है, तुम मत सुनना आज बात, मैं दूसरा उदाहरण सुना मेरे बारे में ये करनी करनी तने करी थी। तो वो क्या करेगा, एकदम से उसको झुलते झुलते अब ऐसे जाएंगे आत्मा के अंदर एक ऐसी चीज होती है, माइंड के अंदर है ना, जैसे दिमाग के अंदर जो चीजें जैसे जैसे छिपी हुई एक एक करके बाहर निकालता परत दर परत, और आदमी अपने हिसाब से वो यूं सोचता जाता है कि हाँ ऐसा ही है। तो वो क्या कर रहा है, माइंड से बाहर निकाल रहा है, एक्सटर्नलाइज। और आप बाहर की दुनिया से चीजों को कहाँ अंदर की दुनिया में ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो? समझ आपके भी आगे समझ, ठीक है? मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, बात कर रहा है, योर फ्लैट इनटू द एरर आई विल चेंज योर फ्लैट, नीचे वाले लाइन में लिख रहा, ठीक है उसमें वो I will change your glad into regret, she said to him. Narration change में आ गए, मान लो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर।
तो सबसे पहली बात तो इसमें आया रखा ऐसे सेंटेंस और होते थे। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा रिप्लाई कर नहीं पाता पूरे दिन में, जितने भी डाउट वाउट आते होते, लेकिन डाउट तो रिप्लाई अगर इंग्लिश में कर रहा हूँ तो कि ग्रामर बिल्कुल ठीक मिलेगी, ये गारंटी मैं देता हूँ, आप सीख भी सकते हो उससे। और ये वो भी कहती पिछला बैच की तेई थी जो शी सेड टू हिम आई विल चेंज योर ग्लैड इन टू रिग्रेट। ठीक बात है, रिग्रेट नाउन है और इंटू के बाद नाउन आता है, पर योर भी तो पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद भी तो क्या आना चाहिए, नाउन। और एक नाउन को ही परिवर्तित करके किसमें बना जाएगा, दूसरी नाउन। यू विल बी ग्लैड क्या होता है, यू विल बी ग्लैड, और ग्लैड एक एडजेक्टिव होता है, और इसलिए ग्लैड नहीं आएगा, यह आएगा ग्लैडनेस। आई विल चेंज योर ग्लैडनेस इनटू रिग्रेट, उसको बोल देना बता देना साइंस से पढ़ लो। नहीं नहीं अच्छी बात थी, उसको कहते साइकिल से पढ़ लो भूल जाए वो क्या बात है। आगे समझ, अच्छा चलो ना सही बात है। तो थॉट्स शी अंडरस्टैंड एंड इंटरनलाइजेस द इनरमोस्ट एसेंस ऑफ थॉट्स, कैसे ऐसे वेरी वेल। तो वेरी वेल अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब, और एंड के बाद स्किलफुल भी लगा तो ये भी क्या होना चाहिए था, क्योंकि वो अंडरस्टैंड और इंटरनलाइज कैसे करती है, और किसी भी चीज का मैनर जो बताए वो मैन एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, और वो हमेशा जनरली प्लेस्ड एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस होता है। तो ये एडवर्ब होगा तो ये भी एडवर्ब, स्किल के साथ फुल लगा तो खाली एडजेक्टिव बना, और इसके साथ ली लगाओगे तब ये बनेगा स्किलफुली, और ये बन जाएगा कौन से पार्ट में अदर है, सी पार्ट में आया समझ में। बहुत बीच बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का मजाक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सैचुरेशन ना जाए आप लोगों का, पढ़ाई जरूरी है, मैं भी थक जाता हूँ उसमें, मेरे भी 10-20 मिनट में हो जाता है थोड़ा सा दिमाग में जाती है। और आपकी बात साचे दरबार की जय। अगला देखो तो ये जो लास्ट में ये बोला भाई साहब, ये इसका चीट था, तो थिंग इज बेटर देन नथिंग। उन्होंने ग्रेजुएशन में पैसा लगाया अपने से, वो भी नहीं हुई। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में झटका लगाया, उसका एंट्रेंस भी फटा। कुछ हुआ होगा ऐसा जरूर से जरूर, कैट करने का मन में था, कैट निकल गया। क्या हुआ यार, क्या हुआ अगला जो वर्ड आता वो आता है एज वेल, कंजंक्शन का काम। और एज वेल एज का मतलब होता है हिंदी में लिख देना के साथ साथ, जब हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है के साथ साथ। अब अगर सबसे पहले तो इसकी जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रूल कोलैप्स कर देता है। तो इसके दो अप्रोच बताएंगे, अप्रोच नंबर वन रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और दूसरा अप्रोच नंबर टू रहेगा पैरेललिज्म, जो बिल्कुल एंड की तरह चलेगा। एक दो क्वेश्चन दे लेंगे। अगर मैं ये लिख दूं आई एज वेल एज यू आर प्लानिंग टू गो देयर, बी हाँ 62 नंबर बैच के जितने बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे बहुत बढ़िया, अब समय निकाल कर आए, आपका मैसेज आया था कि सर हम आ सकते हैं, क्या नाम है भाई आपका, प्रशांत भाई, बोले इसलिए थोड़ी ना आए थे, कोई बात नहीं, कोई बात असल में ये थोड़ा हाँ देखो एज वेल एज, जब भी इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे के साथ साथ,
लेकिन जब भी इसको पढ़ेंगे तो पूरे सब्जेक्ट को लास्ट में पढ़ेंगे। तुम्हारे साथ साथ मैं, तुम्हारे साथ साथ मैं भी, क्योंकि एज वेल एज में क्या छुपा हुआ है, एज वेल, और एज वेल का मतलब क्या बताए, मुझे भी। I as well as you are planning. So you बताओ, तुम्हारे साथ साथ मैं भी वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। और हूँ का मतलब is या are? Is या are? तो जब भी whenever you have two subjects combined with as well as, then always first subject must be taken into account. If first subject is singular, verb is singular. If first subject is plural, verb is plural. तो आई एक अलग केस है, ना इज आता है ना आर आता है, बल्कि एम आता है। तो गलती कौन से पार्ट में हो गई, बी। एनी डाउट हुआ, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? आगे बढ़े, अगली बात का पैरेललिज्म से देखो। दे सीम इक्वली vexed and problematic to for the organization. ए ऑप्शन बताओ, नहीं
कौन पूछ रहा था पैरों के लिए? प्रकाश भाई। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है ये बताइए बुजुर्ग। टू इन अपोज ऑफ गुरु इन अपोज ऑफ अवरोध इन अपोज ऑफ इन अपोजिशन अपोज ऑफ अपोजिशन अपोजिशन अच्छा बता रहे हैं क्या अपोजिशन नाउ और अपोजिशन में क्या फर्क है? चलो अपोजिट से ये बना है और अपोजिट से ये बना है। चलिए ध्यान से देखना अपोजिट का मतलब होता है उल्टा या अपोजिट का मतलब सामने। तो जब आप किसी चीज के टू बी इन फ्रंट ऑफ समथिंग और समवन होते हो तो आपकी डायरेक्शन क्या हुई? अपोजिट। लेकिन जब आप किसी के साथ में होते हो टू बी अडजेसेंट टू तो इसको बोलते हैं अपोजिट। अगर मैं बात करूं भाई नाम निदेश निदेश जो है निदेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू करण निदेश इज सिटिंग नेक्स्ट टू करण तो मैं कह सकता हूं निदेश अपोजिट्स करण निदेश अपोजिट्स करण। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जो चीज अवरोध उत्पन्न करती है विरोधाभास उत्पन्न करती है। यानी एक बढ़िया बात चल रही थी बढ़िया और एक तुमसे आपने कहा देखी तो पक्का आपको अजम्पशन हो गई कि कैसी बात शुरू हो रही है नेगेटिव। मैं कहूं घना अंधेरा था प्रेतात्माएं नाचती हुई दिखाई दे रही थी प्रेतात्माएं नाचती हुई दिखाई दे रही थी शिव का डमरू तांडव करने के बाद भी शिव का डमरू विभत्स रूप से तांडव करने के बाद भी वो सारे के सारे जो शुक्र समीचर थे वो मान नहीं रहे थे नग्न होकर मग्न होकर नाच रहे थे। लेकिन तुरंत दुर्गा माता प्रकट उन्होंने शिव जी को कहा तेरी दो आंखें नीति श्री खोल आंखें खोल त्रिनेत्रधारी शंकर जी और पूरी के पूरी पृथ्वी को विनाश करके एक अलग तरीके से निर्माण करने की कोशिश करें। और जब मैंने बोला लेकिन तो पूरी पूरी बात नेगेटिव चल रही थी और जैसे ही बोला लेकिन तो कैसी बात शुरू हो गई? यस और नो? सो ये जो लेकिन शब्द आया यही क्या है कन्वेंशन के तौर पर तो लेकिन किंतु परंतु बंधु स्वामी से वो आती है दिल की दर्द मुंह में जबान और सांसे तो इसका मतलब सबसे पहला कन्वेंशन क्या होता है दूसरा हाउ एवर तीसरा इन एडिशन टू कॉन्ट्राडिक्शन कब से होने लग गया हमारा और साल अच्छा इसका मैं बता दूं माफ करूंगा अभी बताया था कि नहीं आज अच्छा छोड़ मैरिट क्रिसिस बता ऐसे लिखते रहो चलो अगला देखो बट हाउएवर के बाद अगला वर्ड क्या था दो या ना सॉरी
ध्यान दो, पहला वर्ड है दो और दूसरा इतना हम तभी कर पाते हैं जब विषय में थोड़ी सी पकड़। अच्छा, इसके अंदर कितने लोग डूबना चाहेंगे कि दो बोल दो यूज कैसे होते हैं? बिल्कुल डूब लेते रहो। मैं बताता हूँ, चलो इन्हीं चार को देख लेते हैं। She will to have a great extent of gravy, but the fortune did not favor her. भगवान कर देता है, सरकार के देता है, हैं? ठीक है, इसी छप्पड़ फाड़ को बोलते हैं बेड फोर। विंड फॉल, और इसी को बोलते हैं बोनांजा। Unexpected sudden gaze. और इसी को बोलते हैं ग्रेवी। ग्रेवी। कटलेट। मैं ऐसे कर रहा हूँ। जब मैं हूँ, तुम क्यों कर रहे हो? अगला देख। ऐसे को एटीएम की भाषा में बोलते हैं मैना फ्रॉम द हेवन। अन्ना नहीं मन्ना, मैना जो वर्ड है वो फ्रेंच के अंदर ट्रेजर को कहा जाता है। सो जब स्वर्ग से जब एकदम से ट्रेजर पे, और इसी को गोल्ड सैंड भी बोलते हैं, और इसी को गोल्ड रश भी बोलते हैं। सुनो सही है ना मेरी बोल क्या? अरे मैं तो हूँ, तुमने क्या कहीं पेपर में तुम्हारा आएंगे? मेरे तो नहीं आई थी नीचे से। सीजीएल की तो एज भी तो होनी चाहिए आदमी की, ग्रेजुएशन नहीं है ना अभी। ग्रेजुएशन हो जाएगी, कर लेंगे फिर सीजीएल भी दे लेंगे। सीपी और सपोज नहीं, फिर तो उसके बाद बढ़िया काम करेंगे, तो एमटीएस। एमटीएस का देंगे, एमटीएस का मतलब वो तो मल्टी टास्किंग, अपन मैथ पढ़ा दें, इंग्लिश पढ़ा दें, हिंदी पढ़ा दें, जीके पढ़ा दें, उसको पढ़ा दें, इसको पढ़ा दें, सोमवार को पढ़ा दें, संडे को पढ़ा दें। She will to have a great extent of gravy. वो चाहती थी to have होना, किसके पास? अपने पास होना। क्या? A great extent, बहुत तादाद में होना। क्या? Gravy. Gravy का मतलब है a sudden happening by chance which is giving, which brings fortune, good fortune. एक ऐसी चीज जो अपने साथ लाती है बहुत बड़ा भाग्य, छप्पर फाड़ के जब देता है। बोनांजा को तरफ से बोलते हैं, और यहीं से आपके पास जो ये विंडफॉल बना है, एक ऐसा इंसान था कि मैंने शायद बताया था आपको,
एक ऐसा इंसान था जो घूमते 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 एक ऐसा पेड़ देखा जिस पर सारे के सारे सिट्रस फ्रूट लद के लदे हुए। सिट्रस फ्रूट कौन कौन से? ऑरेंज, ऑरेंज, टमाटो, टमाटो फ्रूट फ्रूट इतनी देर में राम ने क्या किया? दुपट्टा उड़ गए थे हमारे, एक हवा का झोंका आया और सारे फ्रूट नीचे बोरे भर के ले गए। ऐसा किसी किसी के साथ होता है, हवा चलने पर सारे फ्रूट जब गिर जाए उसी को बोलते हैं विंड फॉल। क्या बोलते हैं? विंड फॉल। लकी सिचुएशन, और लेकिन उसका फॉर्चून ने साथ नहीं दिया, वो चाहती थी और वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब जो चाहती थी और वैसा नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस कैसा दे रहा है? सेंटेंस पॉजिटिव। और ये कैसा दे रहा है? नेगेटिव। तो बीच में पक्का क्या लगेगा? बट अपनी जगह बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। आज हम बताओ 10-15 नए वर्ड पढ़े हैं अभी। यस सर। हुआ है वो कैप भी? यस सर। अब क्या हुआ? कल की बात बताओ। 327 नंबर मैच है, आया नहीं है कोई इसमें से? 327 में तो कौन कौन से क्या बोलते हैं? हाउ, हाउ एवर का दो मतलब होते हैं। वैसे अगर इसको कंजंक्शन के तौर पर पढ़ो तो इसका मतलब होता है देखिए, और इसको अगर एडवर्ब के तौर पर पढ़ो तो इसका मतलब होता है कैसे भी या जैसे भी। कैसे भी या जैसे भी पॉसिबल हो फटाफट यहाँ आओ, जैसे भी पॉसिबल है फटाफट यहाँ आओ। कुंडी मत फटकाओ राजा। मुझे गाली देनी चाहिए। मैं इस तरीके से यूज करूँ तो हाउएवर यू मस्ट कम हियर as soon as possible. और लिख दिया however, जैसे भी पॉसिबल है वैसे उतना जल्दी पॉसिबल करके आ जाओ। तो अब मैंने तो यहाँ पर लिख दिया ना as soon as possible, तो इसके अंदर however जरूरी है या नहीं पता नहीं, as soon as possible, as soon as possible. You must come here as soon as possible. लेकिन अगर मैं as soon as possible ना लगा के मैं केवल कह दूँ जैसे भी possible है वैसे करके आ जाओ, तो इसी as soon as की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ? So as soon as एक phrase के तौर पे adverb का काम करता है और however यहाँ पर वैसे adverb का काम करेगा। और आपको पता है कि possible क्या होता है? Adjective। और adjective की विशेषता बताने वाले words में क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में जाएगी कहीं से भी, आज मैं अगर खुदा की कसम खाकर भगवान की कसम खाकर कहूं कि आज मैं कैसा स्पेशल बैच 70 घंटे के हमें मिलते हैं प्री क्यों पढ़ाने के लिए, तो आपके जितने भी प्री के बैच के स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सारे 70 घंटे वाले बैठे हैं। लेकिन हम मेंस के अंदर 150 आवर्स पूरा का पूरा पढ़ाते हैं जिसमें हमें प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सब पढ़ाना होता है, और उसके अंदर हमें एक एक सेंटेंस के अंदर टाइम लेना होता है, अंदर जाना पड़ता है, एक एक बात के अंदर बात निकालनी पड़ती है और उसके क्रॉस पॉइंट्स कैसे निकलेंगे। और आज मैं सेम वैसा पढ़ा रहा हूँ, अगर आप मेरे को कहीं भी संभल करो तो। आप में से कितने लोग मेरे स्पेशल बैच में कभी भी बैठे हैं? एक बच्चा बैठा कहाँ नहीं बैठा सबके ऊपर हवा पर लगा लोगे तो वही बात बन जाएगी। तो बट इज इक्वल टू हवा।
अब ध्यान से सुनिएगा अगली बात। मैंने लिखा दो या ऑल दो। देखो प्लीज टाइम बताओ। पौने छः छः पौने पाँच इसको हिंदी में कहा जाता है यद्यपि या हालांकि। यद्यपि या हालांकि और ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को कंबाइन करने के काम आते हैं दो या ओल दो। अगर इसमें पहला क्लोज पॉजिटिव है तो दूसरा क्लोज पक्का कैसा मिलेगा नेगेटिव, और अगर दूसरा सेंटेंस ऐसे लिख दिया नेगेटिव है तो पक्का दूसरा क्लोज कैसा मिलेगा पॉजिटिव। और इस टाइप के सेंटेंस अगर आप पहले ही देखते पॉजिटिव कनोटेशन चलने शुरू हो जाए और जैसे कॉमा आ जाए तो दिमाग में पहले शुरू हो जाना चाहिए कि वट एवर आई वॉन्ट टू स्टडी विल बी नेगेटिव इन नेचर। वो पक्का किस किस नेचर का होगा नेगेटिव। तो मान लीजिए इस क्लोज के अंदर कोई एक ऐसा वर्ड यूज हो रखा है जिसका मीनिंग नहीं आता लेकिन कॉनोटेशन समझ में आ रखे कि यहाँ तक का पॉजिटिव था तो पक्का वो मीनिंग किस नेचर का होगा। तो अगर एंड लग के कुछ और लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं पैरेललिज्म भी डालोगे तो ये भी कैसा होना चाहिए। तो ये बताओ कितने ही अंदर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आपको अभी प्रेरणा देता है यानी मोटिवेट करता है यानी यस और नो। अब इसकी आत्मा पर आइए जो मैंने ऊपर ऊपर की बात बताई क्वेश्चन। दूसरी और बात और याद रखिएगा जब दो या ओल दो अपने साथ किसी दो क्लोज को जोड़ेंगे तो मैंने बताया कि क्या लगेगा कॉमा, क्या लगेगा कॉमा। अगर कॉमा ना लगे वन नंबर कॉमा ना लगा मिले तो आपको मिलेगा गेट। बोलो जी गेट। और तीसरी बात आपको अगर लिखा मिले बट तो कॉमा लिखे तो ठीक येट लगे तो भी ठीक लेकिन बट मिले बिल्कुल गलत है क्योंकि बट का मीनिंग ही होता है दो या ओल दो। दो या ओल दो के साथ बट का इस्तेमाल नहीं होता है इसके बट का बढ़ जाना तो ये बिल्कुल बिल्कुल किसमें आएगा एरर के अंदर आएगा। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर वन बनाने की कोशिश करूं पांच मिनट चार मिनट लगेंगे अभी ठीक है। दो she was sacrosanct comma she seems sanctimonious she seems sanctimonious and goody goody she seems sanctimonious and goody goody गुदी-गुदी पढ़ा रखा कैसे नौ नौ ऑप्शन कर खड़े हो भाई क्वेश्चन नंबर टू ऑल्दो देयर इज अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ कॉनंड्रम although there is a great sort of conundrum in the ground comma the umpire is trying to manage and control the situation, comma, but at the same time, a group of notorious boys, is instigating
this instigating the running murder. दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास आसान आसान से इतु इतु से तुम पढ़ने की हिम्मत रखना मैं पढ़ाने की हिम्मत रखूंगा ये मानते हो कोई भी चार घंटे कट गए मजे ना तो ये वाला क्वेश्चन दो शिव सक्रो साइंट She is same sanctimonious and good good. Meaning that you have sacrosanct ka? Something that is sacrosanct is considered to be so important that no one is allowed to criticize. That no one is allowed to criticize. Sacrosanct ka matlab hota hai, dekhi, isko yaad kaise rakhna hai, wo bhi bata deta hoon. Bharat mein sacrosanct भारत में सैकड़ों संत हैं जिनकी पवित्रता के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता संतों की बात हो रही बाबाओं की और संत रामपाल जी का ठीक है तो यहाँ टेक इट पॉजिटिव सो इम्पोर्टेंट टू इम्पोर्टेंट या सो इम्पोर्टेंट दैट इज हार्ड टू क्रिटिसाइज हार्ड टू बी क्रिटिसाइज जिसकी आलोचना करना बहुत ही मुश्किल है या कर ही ना जा सके जो इतना प्रमुख हो ऐसे लेवल पर हो उसको बोलते हैं सैक्रोसेंट और किसी का मतलब होता है इन इंटरनल सीक्रेट सैक्रेट पवित्र ऑस्पिशियस तो भैया आज जो भी निवेदन है वो दो गुड़िया थी जो क्या बोली थी उसके बाद अगली बात तो पक्का है हमारे सेंटेंस कैसा मीनिंग देंगे तो बताओ सैंक्टिमोनियस कैसा होता है कौन बोला पाखंडी बहुत बढ़िया जो जैसा हो वैसा पाखंडी क्या है जी पाखंडी प्रीटेंशियसली रिलीजियस प्रीटेंशियसली रिलीजियस वेरी इंपोस्टर तो नाउन होता है यो यूएस और इसी का मतलब होता है हिपोक्रेट हाइपोक्रेट बोलते हैं पता नहीं हिपोक्रेसी जो करता हो लगे कुछ दिखे कुछ और शायद मैंने आपको बताया होगा कि मुंह में राम बगल में चोरी चोरी नहीं शी सेम सैंक्टिमोनियस सो सैंक्टिमोनियस की नेचर का नेगेटिव एंड से पहले नेगेटिव लगा तो एंड के बाद भी तो गुडी गुडी का मतलब भी होता प्रिटेंशियस ले रिलीजियस थैंक यू वर्ड ठीक है गुडी फंक्शन नजर आती थी शी वाज थी ऑस्पिशियस थी इनफेबल थी बड़ी पवित्र थी बट वो लगती क्या थी सैंक्टिमोनियस एंड गुडी तो फिर भी लगती थी तो फिर भी के सेंस में खाली कोमा लगा दिया नहीं लगा तो ये लगा देते सेंटेंस बिल्कुल सही होता तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 4,00,000+ ₹1 करोड़ के लिए बस आपने करना ये है कि इसके जितने भी वर्ड इसमें जो हार्ड हार्ड है उसके 25-25 सिनोनिम साथ में बताना नहीं मैं तो लिखवा दूंगा गिनती मुझे को लो लो मैं फर्स्ट लेटर लिख देता हूँ पूरे आप कर लेना वादा किया है तो ठीक बच्चे तो लिख दूंगा मैं आप ये तो बताने शुरू करो नहीं बता रखे एनआरकी बैड लैंप क्लटर कमोशन कियोस नहीं हो जाए लिखो अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को बोलते हैं कॉनंड्रम क्या बोलते हैं कॉनंड्रम और इसी को बोलते हैं मडल
इसी को पेंडेमोनियम में बोलते हैं। आगे उल्टे क्रम कमोशन, डी से डिसअरे, ई से एंट्रोपी, एफ से फ्रैक्टस। थोड़ा सा सीखने के अंदाज से देखो, मैंने जैसे जब करके आप भी कर सकते हो। ह्यूमन में उबल जाए, रुक जाए, बहुत डॉक्टर डॉक्टर करता है। इम्ब्रोग्लियो, अरे वो कंपाउंडर आज कई बात कह दी, कई जब भाई को तेल चढ़ाने वाली का जो अंतर है वो विस्कोसिटी का अंतर है, जहां से आप निकलते हैं। अच्छा, एक बार तो पानी की अमाउंट ज्यादा बढ़ा दोगे तो विस्कोसिटी घटती है, बढ़ती है? घट जाएगी, कर लेना कोनंड्रम, और इसी को सी से कोनंड्रम भी कहते हैं। सो देयर इज अ ग्रेट सॉर्ट ऑफ कोनंड्रम। कोनंड्रम का मतलब होता है पूहा पौ की स्थिति, क्या करेंगे ना करेंगे, कैसी मुश्किल है। इन द ग्राउंड, कहां पे कोनंड्रम की स्थिति थी? ग्राउंड में, क्या करें ना करें, बड़ी टेंशन वाली स्थिति थी। द अंपायर इज ट्राइंग टू मैनेज एंड कंट्रोल द सिचुएशन, और फिर भी अंपायर सिचुएशन को कंट्रोल और मैनेज करने की कोशिश कर रहा था। बट एट द सेम टाइम द ग्रुप ऑफ नोटोरियस बॉयज, नोटोरियस मींस शरारती, फेमस फॉर समथिंग बैड, वो क्या, लाइक यू, तो अब बताओ इज आए गए आप इंस्टिगेटिंग द रनिंग मेडल, और रनिंग मेडल जो चलते हुए जो हुआ को था उसको इंस्टिगेट कर रहे थे। कौन? वो क्या, छात्रों का एक झुंड। अब बताओ ये क्या लगा दिया, गलती है या नहीं? आप बताओ, पेपर में ये ऐसे करके आ जाए तो बताओ एरर कौन सा पाएगा।
ए बी सी और नो एरर डी। क्यों? तो मैंने लिखवाया और तो ये दो के साथ बट का इस्तेमाल नहीं होता फिर। वेरी गुड, और दो या दो के साथ बट का इस्तेमाल, उससे जो नेक्स्ट वाला जो होगा उसमें बट का इस्तेमाल होगा, तो उसमें कॉमा या लेट रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर से कोई आएगा और वो उसके आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है तब बट का इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब ये आंसर क्या हुआ? नो एरर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।